इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। इन महान पंक्तियों की रचयिता हैं शहीद भगत सिंह, भारत की आज़ादी के सर्वोच्च नायक, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज ही के दिन साल 1931 में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने देश की आज़ादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। फांसी से कुछ घंटे पहले शहीद भगत सिंह अपने साथियों को आखिरी खत लिख रहे थे ताकि उनके जाने के बाद भी आज़ादी की ये अलख जलती रहे, उनके साथियों की हिम्मत न टूटे, बल्कि वो और जोश के साथ आज़ादी के सपने को सच में परिवर्तित करने के लक्ष्य में जुट जाए। अंत तक उनके दिल में देशभक्त का जज्बा भरा हुआ था, न कि फांसी के डर का एक भी कतरा। अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए जाने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए, और भगत सिंह का लिखा वो आखिरी खत देशवासियों के लिए इंकलाब की आवाज बन गया। आइए पढ़ते हैं शहीद भगत सिंह का आखिरी खत। जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, क्रांतिकारी दल के आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, हो सकता है कि मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया, मुझसे अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है, मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। जिस दिन तीनों क्रांतिकारी को फांसी दी जानी थी, उस दिन भी वो मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। जेल में बंद हर कैदी की आंखें उस दिन नम हो गई थी। तीनों को फांसी से पहले नहलाया और वजन किया गया। सजा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। आखिर तीनों ने मुस्कुरा कर फंदे को चूमा और खुद को देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।